जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखियो। गलती मेरी थी कि मैं बिना बताए चला गया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें मेरी पूरी फैमिली से बदतमीजी करने का लाइसेंस मिल गया। आज जो तुमने किया है ना मेरी फैमिली के साथ, इस गलती के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। एंड डोंट फॉरगेट, मैं अपनी फैमिली अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकता, और अगर मुझे उनके बिना रहना पड़ा ना तो इसका सीधा असर हमारे रिश्ते पे होगा। डोंट वरी, उसकी नौबत नहीं आएगी, आई प्रॉमिस। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, सबको मना के वापस घर ले आऊंगी, सब ठीक हो जाएगा वी। बस सिर्फ तुम अपना गुस्सा थूक दो प्लीज। वाह बापूजी, आप लोग सब इतनी छोटी सी जगह में कैसे? देख, तुझे अगर तकलीफ हो रही है तो हम बाहर मच्छरदानी लगा के सो जाएंगे। जरा भी नहीं बा, आप ऐसे कैसे कह रही हैं? मैं तो बस आप दोनों के आराम के लिए सोच रही थी। आराम वहाँ जहाँ घर हो, और घर वहाँ जहाँ तू हो। अरे वो शादी में सब गद्दे बिछा के सो जाते ना, वैसे हम सो जाएंगे। घर छोटा होने से कुछ भी नहीं होता सेनोरिटा, दिल बड़ा होना चाहिए। मैं बड़े दिल की कदर करता हूँ। हाँ, और बड़े भाई की कदर कौन करेगा? हाँ? मम्मी आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम अपना गद्दा बाहर बिछा लेंगे और सारे बॉयज वहाँ सो जाएंगे। और गर्ल्स अंदर? ग्रेट आइडिया। आइडिया कैसा भी हो, तुझे क्या? हाँ, तू अपने कमरे में जा। बाम, मैं यहीं पे रहूंगी, वहाँ राखी आंटी है ना। तो वो नागिन के साथ सोने में डर लगता है? अरे जो वो अपनी मासी के साथ रह ली, वो नागिन से क्या डरेगी? हाँ, जा अपने घर जा। और यहाँ घर वालों की बात हो रही है, बाहर वालों के लिए कोई जगह नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने बा। हाँ, यहाँ बाहर वालों के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए नंदिनी यहीं रहेगी, क्योंकि वो बाहर वाली नहीं है ना। ऐसे कैसे हो सकता है? अनुपमा ने नहीं कहा ना तो नहीं। ठीक है चलो। क्या हुआ, आंख में कुछ चला गया क्या? वो कुछ भाई, अब विंटर को इतना भी मत सताइए। आज की डेट तो आप कैलेंडर में नोट कर लो, क्योंकि आज से हिस्टोरिकल डे है भाई। पाकी ने समर की साइड ली है। बापूजी, मिस्टर शाह को बुरा नहीं लगेगा कि आप लोग ऐसे यहाँ मेरे साथ, मतलब यहाँ रिसोर्ट में तक ठीक है, पर जब वापस जाएंगे तब? अरे वहाँ की वहाँ देखेंगे। हाँ, और आज तो बापूजी आए हैं तो कोई जल्दी भी नहीं सोएगा। हाँ, यस। हाँ, और ऐसे भी इसकी मासी ने आज चैन से जीने नहीं दिया है, तो अब तो हंसना बनता है भाई साहब। यस, लेट्स हैव फन। आज 9 सालों के इंतजार के बाद फाइनली ये रात आई है। आज की रात हमारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात है ना? वी, आज की रात रूठने मनाने की नहीं है, आज की रात प्यार करने की रात है वी। अच्छा, ले लो।
इंग्लिश? अरे नहीं अभी, मेरे साथ पीढ़ी ने कोई इंग्लिश फिल्म नहीं देखी है। झिंगा लाला। फिर से कर रही हूँ। मैं बता रहा हूँ। इसमें राकेश रोशन था। अरे कूल डूड अपने जमाने से थोड़ा आगे बढ़िए। चुप कर। ऋतिक रोशन बहुत गाने प्यारे है ना। क्या हवा हवा हवा। नहीं मम्मी आओ। हाँ आगे दिल आओ। दिल क्या दुख रहा है दिल में? ये क्या ठंडी लग रही है मम्मी? अरे आओ 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 प्यार करें। अब मैं बताती हूँ और अनुपमा करेगी एक्टिंग। तैयार? एकदम मस्त, पता भी नहीं चला। One word. कारपेट। चप्पल। अरे फटी एड़िया। चुप। भाई सॉरी। हाँ मेरी एड़ी फटी नहीं है, अच्छी वाली है। हाँ स्वर्ग। हाँ एक मिनट, तुझे कैसे पता? अरे गाइस मम्मी का थॉट प्रोसेस समझो, ये माँ बाप के चरणों में स्वर्ग होता है, वो वाला थॉट प्रोसेस। हाँ एकदम बराबर। ओ गॉड, ये महान मम्मी का महान बेटा ही समझ सकता है। तालियां। अनुपमा उठो, उठो अनुपमा। मम्मी आंखें खोलो अनुपमा। सबा डॉक्टर अद्वैत को बुला। तोशु तू रिसेप्शन पे फोन कर और गाड़ी बुला। समधन अक्सर ये बातें करते, समधी जी होते तो ऐसा कहते, समधी जी होते तो वैसा कहते, समधी जी होते तो समधन सुहागरात पर अकेली नहीं होती, समधी जी होते तो शट अप। तुम्हें अकेला देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है काव्या, सॉरी। समधी जी तुम्हें छोड़कर अपनी एक्स वाइफ के पास चले गए, तुमने अनुपमा से उसका पति छीना है, इसलिए अब वो
तुमसे तुम्हारा पति छीन रही। बी अलर्ट काव्या, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी प्रेम की नैया टाइटेनिक बनके डूब जाए। डूब गई। अनुपमा, मुझे नफरत है तुमसे, तुम्हारी फैमिली से, तुम सबसे नफरत है मुझे। आई हेट यू ऑल। ठाकुर जी की कृपा के हॉस्पिटल पास में था। अनुपमा बीमार है लेकिन फिर भी कभी उछल कूद, कभी नाचना गाना, ऊपर से तुम दोनों से पुश करते रहते, कभी रिजॉर्ट में क्लासेस, कभी ऑनलाइन क्लासेस, कभी वीडियो शूट, कभी ये कभी वो। और ये नाचना ज्यादा जरूरी है जीना? डरने की तो कोई बात नहीं है ना? मम्मी को होश आया, सर्जरी करनी पड़ेगी, वो भी अभी उसी वक्त। सर्जरी? पापी, सर्जरी के बाद वो ठीक तो हो जाएगा। ये सर्जरी काफी ट्रिकी है। Let's hope for the best and prepare for the worst. तो ना, आप लोग प्लीज वापस रिजॉर्ट जा सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ दो ही लोग आ सकते हैं, ओके? सर्जन आ चुके हैं और हम ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी। अनुपमा की सर्जरी? बापूजी, सुखी था बेटा। मम्मी कैसी है? भाभी को सर्जरी के लिए लेकर गए थे तो हम वहां से निकल गए, पर भाई और समर है वहां पर। हाँ, भाभी डॉक्टर ने कहा है कि सर्जरी बहुत ट्रिकी है, कुछ भी हो सकता है। हॉस्पिटल में दो ही लोगों को रुकने की परमिशन थी, इसलिए हम सब वापस आ गए। तू चिंता मत कर बेटा, कान्हा जी हमारे अनुपमा को कुछ नहीं होने देंगे। चल चल। ओके। और पापा भी काफी बेटर हो गए हैं। पर तुम यहां किस? मॉम का फोन आया था तो बस मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई। तो शु, मम्मी ठीक तो हो जाएगी ना? मम्मी को ठीक तो होना ही पड़ेगा, आखिर उन्हें अपनी बहू को डांटना जो है। बहू को नहीं, बेटे को डांटने के लिए, क्योंकि वही डांट खाने वाले काम करता है। इतने दिन से तो सिर्फ तुम्हें याद कर रहा हूं,
तो अगर वो डांट खाने वाला काम है तो ठीक है। I missed you. किंजल? मॉम, बेटा मैंने तुमसे कहा था ना कि रात को अकेले ट्रैवल मत करना। यू नो मॉम, मैं इस न्यूज के बाद रुक नहीं सकती थी। अरे बट इतनी जल्दी आकर क्या फायदा हुआ? हॉस्पिटल में दो से ज्यादा लोग रुक नहीं सकते और समर और संधि जी ऑलरेडी वहां हैं और रात भर वहीं रुकने वाले हैं। अब कल सुबह ही पता चलेगा कि अनुपमा की कंडीशन कैसी है। ओके सो नाउ कम एंड स्टे इन माय रूम। ओके नो मॉम, मैं तोशु और अपनी फैमिली के साथ रहूंगी। बेटा वहां बहुत क्राउड है। क्राउड नहीं है मॉम, फैमिली है। फैमिली है। Excuse me, but तू घर जा, तोशु को भेज दे। आपको अपनी नई वाइफ के पास जाना है तो आप जाइए, लेकिन मुझे ऑर्डर्स मत दीजिए आप। डॉक्टर, क्या हुआ? इश्यू ओके? एक्सेसिव ब्लड लॉस हुआ है। इनफैक्ट उन्हें कल से काफी ब्लीडिंग हो रही है, जिसके बारे में उन्होंने किसी को बताया नहीं। मुझे लग रहा है कि कहीं आपकी शादी की वजह से वो चुप तो नहीं थी। डॉक्टर, खतरे की कोई बात तो नहीं है ना? खतरे की बात तो है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली उनका मैचिंग ब्लड ग्रुप हमारे पास इस वक्त फिलहाल अवेलेबल नहीं है। बट डोंट वरी, हम लोग ब्लड बैंक्स फोन करके फाइंड आउट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है? अद्वैत सर, इस शहर में वो पॉजिटिव ब्लड कहीं भी नहीं मिल रहा है। व्हाट? आपकी फैमिली में ब्लड ग्रुप किसी का है? अभी अभी एक पोयम बनाई है, सुनोगी? सुहाग रात में मिलते हैं प्रेम के ढाई अक्षर, सुहाग रात में मिलते हैं प्रेम के ढाई अक्षर, तुम पहली ऐसी दुल्हन हो जिसे मिले हैं सिलवासा के मच्छर। वाह 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 वाह, बहुत मजा आ रहा है ना तुम्हें? मजा नहीं, तरस आ रहा है। थोड़ी देर पहले तक अनुपमा बिल्कुल ठीक थी, फैमिली के साथ नाच गा रही थी और अचानक बेहोश हो गई और बात इमरजेंसी सर्जरी तक पहुंच गई। स्ट्रेंज ना? इनफैक्ट टू मच। मुझे तो लगता है भगवान भी तुम्हारी खुशियों के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं, पर जब पति ही मुंह फेर ले तो परमेश्वर की क्या गलती। सुहाग रात एक्स वाइफ के साथ, रियली सैड। ये तो बस शुरुआत है काव्य, ये तुम्हारी मैरिड लाइफ का फर्स्ट डे है। आगे आगे देखो होता है क्या। मच्छर था। मच्छर पे नहीं, अनुपमा पे कॉन्सेंट्रेट कर, वरना जिंदगी भर पति पत्नी और वो खेलती रह जाओगी। Thank you.
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।